नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में माता का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की होती है। तो आइए हम जानते हैं स्कंद माता की कथा और उनके बारे में। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की चार भुजाएं हैं और इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल फूल है। जो इनकी सबसे प्रचलित कथा है वो इस प्रकार से है। पहाड़ों पर रहकर संसार में जीवन को नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की चार भुजाएँ हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा के स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद आसना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भक्त की मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी माँ की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघ दूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। तो भक्तजनों, स्कंद माता से जुड़ी हुई बातें आपको कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।